नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज़ आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय रपा। देश में लोकसभा चुनाव से पहले असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने शनिवार को कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि 2026 तक असम कांग्रेस में हिंदू नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा कि 2026 तक असम कांग्रेस में कोई भी हिंदू नहीं बचेगा और 2032 तक लगभग सभी मुस्लिम भी कांग्रेस का साथ छोड़ देंगे। हम महानगर बीजेपी के रूप में राजीव भवन में एक शाखा खोलेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि कई कांग्रेस नेता आने वाले दिनों में भी बीजेपी में शामिल होंगे। असम के मुख्यमंत्री ने गुवाहाटी में राज्य के बीजेपी मुख्यालय के दौरे के दौरान ये बात कही। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होने के लिए बीजेपी मुख्यालय का रुख किया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुवाहाटी में राज्य बीजेपी मुख्यालय में 126 विधानसभा क्षेत्रों के प्रभारियों की एक बैठक हुई। साथ ही उन्होंने बताया कि शनिवार को कांग्रेस के 3 सदस्य भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अभी और कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शर्मा ने आगे कहा कि मैं माजुली जाऊंगा और 1 अप्रैल को साइकिल रैली के साथ मेरा चुनाव अभियान शुरू होगा। राज्य में मुस्लिम समाज के कल्याण के बारे में बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं उनके समाज में सुधार के लिए काम करने की कोशिश कर रहा हूं। कई मुस्लिम युवा मेरा समर्थन कर रहे हैं, जैसे कि आप फेसबुक पर देख सकते हैं, और वो इसका स्वागत करते हैं, कोई भी विरोध नहीं करता है। वहीं जोरहाट संसदीय क्षेत्र के बारे में बातचीत करते हुए असम के मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी जोरहाट सीट जीत जाएगी। उन्होंने कहा कि एक वर्ग मेरे खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत अलग है। हिमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि कांग्रेस उम्मीदवार गौरव गोगोई के 2 दाएं और बाएं हाथ पार्टी छोड़कर बीजेपी में क्यों शामिल हो गए, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि जीतने का कोई मौका नहीं है। हिमंत बिस्व शर्मा ने अपने बयान के दौरान आगे कहा कि साल 2026 में जब असम में विधानसभा चुनाव होंगे तब बीजेपी राज्य के 126 विधानसभा क्षेत्रों में से 105 पर बढ़त बनाएगी। सीएम ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि लोग सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों के लिए हमें वोट देंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें एसपीएन 9 न्यूज़।